हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम है असद, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में। बाकी देखा होगा ऑल्ट कॉइन्स जो है यहाँ पे पंप कर रहे हैं और मार्केट कैप रैंकिंग में भी ऊपर ऊपर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शिबा इनू कॉइन 17 रैंक पे है और लास्ट 7 डेज के अंदर देखोगे अगर तो 5% लॉस के अंदर ही चल रहा है। इवन के अदर क्रिप्टो करेंसीज की अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे कुछ क्रिप्टो करेंसी जो है 50% जी हाँ 50% तक भी पंप कर चुकी हैं। तो यहां पे ऐसे माहौल में शिबा इनू कॉइन के साथ हमें क्या करना चाहिए, क्या शिबा इनू कॉइन को सेल कर देना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। एक्सीसी कॉइन देखिए यहां पे 61% का प्रॉफिट दिया है इसने यहां पे लास्ट 7 डेज के अंदर। उसके बाद एलटीसी कॉइन ने जो है यहां पे अच्छा प्रॉफिट दिया है। तो ऐसे कॉइन्स के बारे में जो है अगर आप जानना चाहते हो पहले से तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जैसे मैंने लाइट कॉइन के बारे में आपको ऑलरेडी बताया था कि आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, और बिटकॉइन कैश BCH देखिए लास्ट 7 डेज के अंदर 52% का प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुका है। तो यहां पे चलिए बात करते हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में। शिबा इनू कॉइन जो है आखिर कब पड़ेगा, कब इसके प्राइस के अंदर हमें पंप देखने को मिलेगा। तो ऑल्ट कॉइन्स यहां पे डेंजर के अंदर भी जा सकते हैं, और ऑल्ट कॉइन्स जो है नेक्स्ट बुल सीजन के अंदर अगर यहाँ पे मार्केट के अंदर बड़ी रेगुलेशंस हुई और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हुई क्रिप्टो करेंसीज को लेके पूरी दुनिया के अंदर, पूरी कंट्रीज़ के अंदर, तो यहाँ पे और जो यहाँ पे कौन से कॉइन्स जो मीम कॉइन्स है, जैसे शिबा इनू कॉइन हो गया, बेबी डॉज कॉइन हो गया, फ्लॉकी इनू हो गया, तो इस तरह के कॉइन्स के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे इनका इतना बड़ा कोई यूज़ केस नहीं है, ना ही इतनी बड़ी यूटिलिटी है। हालांकि ये बात तो करते हैं कि हमने यहाँ पे अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च करी है, हमने शिबा इटर्निटी गेम लॉन्च करी है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें एक अच्छे प्रस्पेक्टिव से तो हमें यहाँ पे जो मीम कॉइन्स हैं, ओवरऑल जो मीम कॉइन्स हैं, सिर्फ मैं शिबा इनू कॉइन की बात नहीं कर रहा, कोई इतना बड़ा यूटिलिटी, कोई रियल वर्ल्ड यूज़ केस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं शिबा इनू कॉइन की। शिबा इनू कॉइन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक साल के अंदर 23% लॉस दिया है इसने, 30 डेज के अंदर यहां पे 10% लॉस दिया है, और यहां पे अगर आप देखो अपने ऑल टाइम हाई से 91% डाउन चल रहा है। इसका ऑल टाइम हाई अगर आप देखोगे 0.4x086 की सीरीज में जो है इसका ऑल टाइम हाई है। अब बात करते हैं क्या दोबारा से ये अपने ऑल टाइम हाई पे रीच कर पाएगा। तो अगर एक बार दोबारा से मीम कॉइन्स की यहाँ पे हाइप बनती है तो शिबा इनू कॉइन डेफिनेटली अपने ऑल टाइम हाई पे पहुँचेगा और एक नया ऑल टाइम हाई भी बना सकता है। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन रखना कि जितना इसने पहले प्रॉफिट दिया है, ऐसी एक्सपेक्टेशन रखना कि ये 100x प्रॉफिट देगा, ये 1000x प्रॉफिट देगा, तो ये सरासर एक बेवकूफ़ी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे हर साल जो नए कॉइन्स आते हैं जो नेक्स्ट प्रीवियस बुल सीजन में अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ ऐसे भी कॉइन्स हैं जो नेक्स्ट बुल सीजन के अंदर वही जिन्होंने पिछले बुल सीजन के अंदर अच्छा परफॉर्म किया हो, नेक्स्ट बुल सीजन के अंदर अपने ऑल टाइम हाई को भी टच नहीं कर पाते। तो अपने पोर्टफोलियो में पुराने कॉइन्स के साथ साथ नए प्रोजेक्ट्स को भी डाल के रखिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छी तरह से सीखिए। और यहाँ पे शिबा इनू का अगर करंट प्राइस देखोगे तो 0.5x 5x 076 की सीरीज में अभी ट्रेड कर रहा है। तो नेक्स्ट बुल सीजन के अंदर क्या शिबा इनू कॉइन हमें 1 रुपये जाता हुआ दिख सकता है? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी सप्लाई के साथ शिबा इनू कॉइन जो है 1 रुपये जा सकता है। हाँ, अगर कोई यहाँ पे कोई अनइमेजिनेबल बर्निंग हो जाए तो जो है हम इसका देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा पंप इसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे शिबा इनू के अंदर कोई भी बुलिश न्यूज़ जो है हमें देखने को नहीं मिल रही, और ना ही इनकी टीम की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर रेगुलर अपडेट्स दी जा रही हैं। यहाँ पे बहुत सारे नए लोग जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ शिबा इनू कॉइन को ये देख के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 100 रुपये के अंदर या 1000 रुपये के अंदर हमें करोड़ों लाखों कॉइन्स मिल रहे हैं, और वो ये इमेजिन करके बैठे हैं कि इसका प्राइस अगर 1 रुपये चला गया तो हम करोड़पति बन जाएंगे। बल्कि ऐसा नहीं होता है, प्राइस मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि यहाँ पे वो क्रिप्टो करेंसी जो है वो कितना ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है और बैक एंड पे उसकी टीम जो है वो कैसा काम कर रही है। शिबा इनू कॉइन की बर्निंग भी अभी इतनी खास नहीं चल रही और ना ही टीम जो है बैकेंड में इतना अच्छा काम कर रही है। तो शिबा इनू कॉइन के अंदर अपना ज्यादा पैसा मत फंसाइएगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। हाँ, 2-5% अपने पोर्टफोलियो का आप जो है मीम कॉइन्स के अंदर रख सकते हो, और मीम कॉइन्स में जो है शिबा इनू कॉइन भी आता है। तो यहां पे नेक्स्ट बुल सीजन के अंदर मेरी जो एक्सपेक्टेशन है इसकी 20x
230x मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा जो है मेरी यहाँ पे कोई भी एक्सपेक्टेशन शिबा इनू कॉइन से नहीं है। हाँ, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, मेरा जो ओपिनियन है वो गलत भी हो सकता है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या शिबा इनू कॉइन जो है 1 रुपये जाएगा नेक्स्ट बुल सीजन के अंदर, या फिर नहीं? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम ऐसा, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं और क्रिप्टो के रिलेटेड अप टू डेट रहना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मेरा नाम ऐसा, आप देख रहे थे क्रिप्टो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। Have a safe investment.